धनन सतगुरु तेरा ही आसरा बहन पुष्पा इंसा पूजा हजूर पिताजी की जीव उद्धार रूहानी यात्रा के कुछ अनुभव सुना रहे हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु जी के रूहानी सफर का के कुछ अंश यहाँ सुनाने जा रही हूँ। पिताजी की रहमत से बहुत कुछ जो समझ आया वही आपके सामने पेश कर रही हूँ। एयरपोर्ट में जैसे ही पूज्य पिताजी की एंट्री हुई, अपनी रूहों को मालिक ने खींचना शुरू कर दिया। जहां तक संभव होता लोग पिताजी के दर्शन करते रहते, फिर जब दिखने बंद हो जाते तो ओह कहकर आपस में डिस्कशन शुरू कर देते, वेरी अट्रैक्टिव, स्मार्ट आदि आदि। दिल्ली से चलकर जहाज जब अगले एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पूज्य पिताजी ने पायलट को याद किया कि पायलट ने बहुत ही बढ़िया जहाज लैंड किया है। पूज्य पिताजी जब उतरने लगे तो पायलट गौरव सिंह आकर पूज्य पिताजी से मिला। प्यारे पिताजी ने उसे बहुत ही प्यार से नवाजा और फरमाया कि बेटा बहुत ही बढ़िया लैंडिंग थी, पता ही नहीं चला कब जहाज लैंड भी हो गया। उसने कहा कि गुरुजी आज तक ऐसी तारीफ किसी ने भी नहीं की। पूज्य पिताजी ने फिर उसे अपना पेन दे दिया। पायलट के तो वारे ही न्यारे हो गए, वह सदगुरु से दांत पाकर फूला न समा रहा था। वहां से पूज्य पिताजी एयरपोर्ट पर आए और पिताजी के आगे निकलने के बाद मैंने सुना एक फॉरेनर वहां के एक भाई से कह रहा था, ही मस्ट बी सम फेमस पर्सनैलिटी, वेरी ग्लोइंग, हु इज ही। उस वक्त उसकी नजरें पिताजी को ही निहार रही थी। हमने उसे पिताजी के बारे में बताया तो बहुत ही खुश हुआ। मैं आगे गई तो एक और फॉरेनर मुस्लिम कपल पिताजी के पीछे पीछे जा रहा था। उसने हमसे पूछा, हु इज ही, कौन है ये, मैंने इन्हें कहीं देखा है, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत स्मार्ट हैं। वह लड़का यूएसए में हड्डियों का डॉक्टर है और वह उसके साथ जो लड़की थी वह एनेस्थीसिया की डॉक्टर, वे दोनों आधा घंटा पिताजी के वेट करते रहे। उधर से उसकी टैक्सी वाला कहने लगा, आप चलो नहीं तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। टैक्सी वाला उन्हें जबरदस्ती बाहर ले गया, लेकिन वे पिताजी से मिले बिना जाना नहीं चाहते थे। बस तभी पिताजी बाहर आए और वे दोनों दौड़कर पिताजी के पास आ गए। पूज्य पिताजी ने उनसे नाम पूछा, वह आशीर्वाद दिया। वे कहने लगे, स्वामी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें भी ब्लेसिंग्स दो। पिताजी ने उन्हें बहुत ही प्यार से नवाजा, वह फरमाया अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, आपको दुआ में याद रखेंगे। उन्होंने खूब थैंक्स किया पिताजी का। इस रूहानी यात्रा का आधा समय पिताजी का जलीय जीव व उसके आसपास के इलाकों में रूहों के उद्धार के लिए बीता। एक सुबह पिताजी की बोट में एक कौवा आ गया, शीशे पर चोंच मारे और कहे, काऊ काऊ। पिताजी ने उससे पूछा, हाँ भाई। फिर बोला, काऊ काऊ यानी गेट खोलो। पिताजी ने कहा, रोटी चाहिए, कहता काऊ काऊ। पिताजी ने कहा, ले रोटी, और वह रोटी लेकर उड़ गया। पूज्य पिताजी ने फरमाया, यह फिर आएगा, माँ लगती है बच्चों के लिए लेकर गई है। वाकई थोड़ी देर बाद वह कौवा फिर आ गया। वह पिताजी से फिर काऊ काऊ कर बात करके आधी रोटी और लेकर गया। थोड़ी देर बाद फिर बहुत से कौवों को लेकर आ गया। पूज्य पिताजी ने फरमाया, लगता है दोस्तों को बताकर उन्हें लेकर आया है। और फिर दोस्त भी पिताजी से अंगूर खाकर गए। देखो कैसे पिताजी को पता था माँ है, वह फिर से आएगी। सच ही है ना, संत तो घट घट के जाननहार होते हैं, उनसे क्या छुपा है। पिताजी ने फिर हमें फरमाया कि हमें समझ आती है पक्षियों की भाषा। एक जगह जब शाम को टापू पर पिताजी रुके तो हम सभी को पिताजी ने वहां बुलवा लिया। वहीं एक कुतिया भी आकर प्यारे दातार जी के चरणों के पास बैठ गई। ऐसा नजारा हर जगह होता, हर जगह टापू पर जहां भी पिताजी जाते बैठते वहां एक दो कुत्ते जरूर होते व अन्य जानवर भी पिताजी के पास आ जाते। वह सिक्योरिटी गार्ड की तरह फिर साथ साथ फिरते रहते। वह कुतिया तो जब भी पिताजी के पास कोई जाता तो साइड पर खड़ी हो जाती और जैसे ही वो वहां से निकलता फिर पिताजी के चरणों में जा बैठती और मस्त हो जाती।
वहां प्यारे पिताजी ने हमें दिखाया, खूब मच्छरों का उद्धार किया व एक मेंढक का भी पार उतारा किया। वहीं किसी ने पिताजी से पूछा, क्या पहाड़ों में भी जीवन होता है व उनका उद्धार कैसे होता है? बहुत ही प्यार से पिताजी ने फरमाया, हाँ बेटा, जीवन होता है। अगर कोई संत पीर फकीर पहाड़ पर चले जाएं तो आत्मा का उद्धार हो जाता है। पहाड़ वहीं रुक जाता है, बढ़ता नहीं है, उसकी जूनी तभी खत्म हो जाती है। वहीं पूज्य पिताजी ने यह भी बताया कि डेरा सच्चा सौदा रूहानियत का रिसर्च सेंटर है। यह तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ आदि आदि जब भी पूज्य पिताजी से मिलते हैं या पूज्य पिताजी से राय लेते हैं या जब भी पिताजी अपनी तरफ से उन्हें रिसर्च में कुछ वचन करते हैं, तो उन वचनों पर अमल करते हुए उन लोगों ने विदेशों में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर अवार्ड लिए हैं। यहाँ किसी ने प्यारे पिताजी से पूछा, ऐसा क्या करें कि रूहानियत की समझ आने लगे? तब पिताजी ने वचन फरमाए, सिमरन सेवा के साथ साथ अपने सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास हो, विश्वास दृढ़ हो, बेहद दृढ़ हो, तो धीरे धीरे सब संभव हो जाता है। सेवादार बैठे थे, एक भाई कहने लगा कि पिताजी, आप जी ने कुछ दिन पहले वचन किए थे कि सिमरन करोगे तो कल्पना भी नहीं की होगी वो खुशियां मिलेंगी। तो वो कहने लगा, मैंने थोड़ा बहुत ही सिमरन किया था पिताजी, आज आप कितनी खुशियां दे रहे हो, क्या नजारे दिखा रहे हो, ऐसा तो वाकई सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ऐसे ही एक जगह अचानक पिताजी ने नाव रुकवाई व छोटी नाव मंगवाई व उसमें बैठकर निकल गए। बाद में हमें पता चला प्यारे दातार जी सीधे एक घर में गए व वहां 5 लोगों को नाम देकर वापस आ गए। हम सभी नाव में थे और नावें भी साथ साथ चलती थी और बोट ड्राइवर धीरे धीरे बोट चलाते थे, पर जैसे ही पिताजी अपनी बोट में बाहर आते तो सभी बोट ड्राइवर्स में होड़ लग जाती कि मैं पास जाऊं। वे पिताजी को देखकर खूब नाचते, तालियां बजाते। वहीं जो आसपास से गुजरने वाले नावों में मूल नागरिक होते, विदेशी सैलानी होते, सभी को न जाने पूज्य पिताजी में क्या नजर आता कि वे भी उछाले मार रहे होते। वैसे हम लोग ज्यादातर दर्शनों के लिए बैठे रहते, परंतु कई बार उन लोगों की तालियों का शोर सुनकर हमें पता चलता कि कहीं न कहीं से पिताजी के दर्शन हो रहे हैं। बोट में एक और बात देखने को मिली कि टापू के किनारे पिताजी गुजरते या पिताजी झील के बीच में बोट पर होते, हर कोई पिताजी को सजदा करता नजर आता। वहां हैरानी तब होती जब पूज्य पिताजी की नाव झील के बीच में होती व दूर दूर तक पता नहीं चलता था कि बोट में कौन बैठा है, फिर भी लोग उस बोट को सजदा करते नजर आते और ऐसे नाचते जैसे अपने सत्संगी हों। वहां के एक स्कूल के बच्चे भी की बोट भी जब वहां से गुजरी तो पास वाली बोट में पिताजी के शब्द चल रहे थे, तो शब्द सुनकर वो भी खूब मस्ती में नाचने लगे और मस्त हो गए। आखिरी दिन सुबह जब नाव छोड़नी थी तो सभी नाव वाले इकट्ठे हो गए, हमें भी मेडिटेशन का तरीका बताओ। पिताजी ने नाम देने के लिए हाँ कर दी व सभी बैठ भी गए। तभी वहां से छोटी छोटी 2-3 बोट नावें आई और जिनमें मछुआरे आ जा रहे थे। जैसे ही उन्हें दूर से हमने आवाज लगाई वो नजदीक आ गए और जब कहा, स्वामी जी, गुरमंत्रा, ब्लेसिंग्स, वरु वरु, यानी आओ आओ, तो वे जल्दी जल्दी बोट से उतर गए और नाम वालों में बैठ गए। उनमें से कुछ ही लोग इंग्लिश समझते थे और कुछ लोगों को टूटी फूटी हिंदी आती थी, वो भी शायद 1-2 को। बाकी न हम उनकी भाषा समझते थे और न वो हमारी। हमने एक भाई को वहां तैयार किया कि तुम यहाँ की भाषा में इन्हें समझा देना। तभी पूज्य पिताजी नाम देने आ गए। हमने बताया कि ये ट्रांसलेटर है पिताजी, और पिताजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ये आपकी भाषा में आपको समझा देगा। थोड़ी देर बाद पिताजी ने उन लोगों से पूछा कि आपको हमारी भाषा समझ आ रही है, अभी ट्रांसलेशन शुरू नहीं की थी, और वो सभी कहने लगे, हाँ जी हाँ, समझ आ रही है। हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि 3 दिन हो गए इनके साथ खपते हुए, हमारी तो उन्हें कुछ न समझ नहीं आती थी और अब इन्हें सब समझ आ रही है। समझ कैसे ना आती, खुद रूहानी जन्मदाता जो सामने बैठे थे।
वहां और भी बहुत कुछ देखने को मिला। वह कुत्ता जो पिताजी के आसपास ही रहता था, जैसे ही पिताजी नाम देने आए, पिताजी को एस्कॉर्ट करता हुआ आ बैठा पास में, और जब पिताजी नाम देकर जाने लगे तब वहां से उठकर चला गया। ये तो साफ ही था कि जहां भी पिताजी की बोट होती, यहाँ उस एरिया में जितने पशु पक्षी जानवर होते, पिताजी की बोट के आसपास ही या ऊपर मंडराते रहते। तड़पती रूहें अपने मालिक पिया को ढूंढ ही लेती थी। नाम देने पिताजी दूसरी बोट में गए थे। जब नाम देना शुरू किया था तो ऊपर पक्षियों का झुरमुट इकट्ठा होना शुरू हो गया, और तभी हमने देखा कौवा भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। वाह, क्या नजारा था पिताजी, आप जी का प्यार वहां गजब था। एक तरफ नाव में इंसानी रूहें, दूसरी तरफ टापू पर पशु वनस्पति जूनी की रूहें, और ऊपर पक्षी जूनियों की रूहें, नीचे पानी में जलीव जीवों का एक साथ देखा तो नजारा ना बयां था। कैसे बयां करूं वो नजारा, किसकी उपमा दूं, वैसा तो कभी कहीं हुआ ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। यहां मैं बिल्कुल निशब्द हूं। प्यारे रहबर जी, आपसे अर्ज है कि आप जी ही संगत को वह नजारा बताएं जी। प्यारे पिताजी ने कुछ लोगों पर तो अलग सा नशा छोड़ रखा था। जैसे एक बोट का कुक था सुनील, वह कहता कि मुझे स्वामी जी में अलग कशिश लगती है। संत जी की बोट नजदीक आती तो वह खूब नाचता, और उसमें हमें तब तक चैन नहीं लेने दिया जब तक उसने नाम नहीं लिया। एक ही रट होती, मुझे स्वामी जी से मिलवाओ, मुझे गुरुमंत्र लेना है। नाम लेने के बाद कहता जिंदगी सफल हो गई, और बिना किसी से बोले वह जब तक हम वहां रहे सिमरन ही करता रहा। एक और जगह प्यारे पिताजी बोट को रोक कर घूमने निकल गए। चलते चलते एक घर में गए, वहां एक गाय ने बच्चा दिया हुआ था। पिताजी ने गाय के बारे में पूछा, फिर आगे चले गए। वहां पहुंचे तो तभी सिरसा से काफिला वहां पहुंचा ही था। पहले काफिले वालों से मिले, हालचाल पूछा, फिर जहां जिप्सियां थी काफिले वाले वहां चले गए। वहां एक अपने सद्ब्रह्मचारी भाई ने कहा, पिताजी आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, जब आप पहले बैठे थे तो वो गाड़ी कभी खराब नहीं हुई, उससे पहले वह खराब होती रहती थी। गाड़ियां अभी वहां पहुंची ही थी, कोई सफाई नहीं थी। पिताजी एक जिप्सी में जाकर बैठ गए और 5-7 मिनट तक राउंड लगाकर आए। आते ही पूछे पिताजी ने फरमाया, इसमें तो प्ले बहुत ज्यादा है, अपनी बड़ी गाड़ियों के साथ ये कैसे चला रहे हैं, जिप्सी वाले तो बहुत ही तगड़े ड्राइवर हैं। फिर मिस्त्री को बुलाया, वह फरमाया आप काम करके रखा करो, अब अच्छी तरह से चेक करो इसे। फिर उन्हें प्रसाद दिया, और तब तक वहां 40 लोग इकट्ठे हो गए थे, वह पिताजी को घेर लिया था। पिताजी ने सभी को आशीर्वाद से नवाजा व प्रसाद दिया। उसके बाद जब मिस्त्रियों ने गाड़ी को चेक किया तो फ्रंट व्हील का राइट साइड का चिकनर खुला हुआ था सारा। अगर पिताजी ट्राई न लेते तो खतरनाक एक्सीडेंट होना था। ऐसे ड्राइविंग के बहाने से पिताजी ने सब चेक करवा कर न जाने कितनी जाने बचाई, वरना तो जो चला रहे थे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि सोचो कैसे कैसे मालिक अपने बच्चों को बचाते हैं, उन पर रहमतें करते हैं। हम सोच रहे थे घूमने गए हैं पिताजी, प्यारे सतगुरु जी, घूमने का तो बहाना ही होता था, काम तो रूहों का उद्धार ही करना होता था। वापस आते हुए एक घर में चले गए प्यारे सतगुरु जी, वहां कुर्सी पर बैठ गए, उनसे बहुत बातें की। बाद में परिवार वालों ने कहा, स्वामी जी बहुत सुंदर हैं, हमें बहुत बहुत मीठे हैं और हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमें इनकी फोटो दे दो। और वो लोग बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद वहां पर आ जाते कि हमें फिर गुरु जी से मिलवा दो। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटियों को बताया था कि स्वामी जी घर आए हैं, और क्योंकि वो थोड़ा 2 घंटे का रास्ता था जहां वो पढ़ती थी, तो वो कहने लगे कि हमारी बेटियों ने कहा है कि गुरु जी को 2 घंटे के लिए रोक लो, और फिर आ गए कि नहीं गुरु जी को 2 घंटे के लिए रोकेंगे, हमने गुरु जी से हमारी बेटियों ने भी मिलना है। तो वह परिवार बार बार ही पिताजी से मिलने आता रहा। एक जगह होटल में दिल्ली का एक परिवार था, जब उन्होंने पिताजी को देखा तो वहीं लट्टू हो गए। रात काफी देर तक वे वहां बैठे रहे, कहने लगे हमें मिलना है गुरुजी से। हमने कहा सुबह आपको हम खुद ही बुला लेंगे। सुबह जब उसने हमें देखा तो वह बहन ऊंची ऊंची कहने लगी दूर से ही कि हम मिल लिए गुरुजी से। कहती है मैं सुबह जल्दी निकल गई यह सोचकर कि गुरुजी मुझे आपसे मिलना है, और जब मैं आई तो गुरुजी बाहर ऊपर खड़े थे। मैंने सोचा गुरुजी ये तो दूर है, मैंने तो आपके नजदीक से दर्शन करने हैं, और तभी गुरुजी
गुरुजी नीचे बाहर आ गए और हम मिल लिए। वह गुरुजी ने मुझे कहा, बेटा आपके लिए ही आए हैं। कहती है, सच में गुरुजी तो दिल की जानते हैं। उसके कुछ समय बाद वह फिर वहां आकर चक्कर लगाने लगे और कहने लगे, हमारा बार बार मिलने को दिल कर रहा है, इसलिए हम लोगों को गुरुजी से मिलवाने के लिए ला रहे हैं। वे लोग फिर पिताजी से मिले। वह कहने लगे, गुरुजी आप हमें गुरुमंत्र दो, हमें आपसे ही गुरुमंत्र चाहिए। अगर आप ना कहोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ ही सिरसा चलेंगे। फिर पिताजी ने यहाँ नाम भी दिया, जिसमें कई बड़ी हस्तियों के साथ दो विदेशी मूल नागरिक भी शामिल थे, जो पिताजी को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। एक जगह हम रुके थे, वहां 5 न्यूरो सर्जन थे। उनमें से एक मुस्लिम भाई था, वह पिताजी के रूम की तरफ मुंह करके नमाज अदा करता था। अपने भाइयों ने उससे पूछा, आप ऐसे करते हुए क्या कहते हो? तो उसने कहा, मालिक का हर बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी ऐसी भावना देखकर अपने सेवादारों ने आपस में कहा, जिसको ये याद कर रहा है वो तो आज यही है, इसे तो पिताजी जरूर मिलेंगे। और वही हुआ, अचानक पिताजी बाहर आए और कहने लगे, उस तरफ की लाइटनिंग देखते हैं। और इस बहाने वहीं पहुंच गए जहां वो 5 न्यूरोसर्जन थे। प्यारे मुर्शिद जी ने सभी को आशीर्वाद दिया, उस भाई से भी मिले, और उस मुसलमान भाई ने 3 बार प्यारे दातार जी के कर कमल स्पर्श किए और वह प्यारे दाता जी को देखता ही रहा। आप जी ने उसे फरमाया कि जिस जगह आप हो उस जगह कम ही लोग धर्म को याद रखते हैं, आपको बहुत आशीर्वाद, और जो धर्म को याद रखते हो। उधर अपने सिक्योरिटी वाले भाई, जो दृढ़ विश्वास लेकर बैठे थे कि इसकी तड़प मालिक को पाने की है, वह इतनी भावना से नमाज अदा करता है तो पिताजी इसे जरूर दर्शन देंगे। उन्हीं भाइयों को पिताजी ने फरमाया कि इसी से मिलने आए हैं बेटा। अब तक अपने भाइयों ने पिताजी को यह नहीं बताया था कि हमने ऐसा सोचा था, और जिन्होंने सोचा था उन्हें ही पिताजी ने यह फरमाया था कि इसी से मिलने आए हैं। तो सद्गुरु सब जाने जान होते हैं, जिनका जैसा विश्वास होता है उसे वैसा ही दे देते हैं। एक जगह पिताजी उसी जगह पर गए जहां पिछले साल भी गए थे, तो वहां जब उन लोगों ने प्यारे रहबर जी को देखा तो खुशी की लहर दौड़ गई और आगे से आगे मैसेज पास हो गया। हर कोई यहाँ, स्वामी जी आए हैं, कहाँ हैं कहाँ हैं, एक दूसरे से कहते हुए सुने गए। वो धन सद्गुरु वाले स्वामी जी हैं। वहीं एक भाई पिताजी को देखता जाए वह पूछे, कोई मिनिस्टर हैं क्या? वहां के मैनेजर ने जैसे ही हमें देखा पूछने लगी, स्वामी जी आए हैं, मुझे फोन आया है कि स्वामी जी यही हैं, क्या स्वामी जी इधर को गए हैं? एक और अद्भुत नजारा था वहां कि 2-3 सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे, वे सीधे चले जा रहे थे सफाई करते हुए, पर जैसे जैसे प्यारे दातार जी से दूरी बढ़ रही थी वैसे वैसे गर्दन घूमती जा रही थी दर्शनों के लिए। यहाँ मालिक के दर्शन न छूटे वो होते ही रहे, ऐसी ही तड़फ उनमें नजर आ रही थी। बिल्कुल ऐसा ही सीन था सिरसा में, जैसे संगत या लोग पिताजी को घेर लेते हैं। जो भी पिताजी को देखता, कोई पिताजी की मस्त चाल, नूरानी रूप और मधुर वाणी को निहारते ही रह जाते और सद्गुरु के पीछे पीछे हो जाते। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। पिताजी जो गलती हुई है माफ कर दो। जी प्यारी सत्संग जी, सभी प्रवा जी शास्त्र नाम श्याम स्थान दाता रहमत है उनकी, उनका रहमो करम हम में ऐसी कोई बात नहीं, पर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो रहमो करम जब बरसाते हैं तो पशु पक्षी परिंदे पत्थरों को तार देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये उनका रहमो करम, उनकी दया में रहमत। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, वो दया के भंडार हैं, वो सबका बेड़ा पार करते हैं। और कई बार ऐसी जगहें होती हैं, यहाँ पे 2 या 3 बार हम गए तो वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, और हमारे साथ एक दो लोग नए थे बैठे, कहते गुरु जी ये आपको कैसे जानता है? हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं है कैसे जानता है, क्योंकि वहाँ कोई औरतें थी काफ़ी सारी और वो कुछ कर रही थी, कोई शायद कुछ गा रही थी, या दिन का टाइम था। वो जैसे अपनी इधर रोड होती हैं, उधर पतली सी नहरें होती हैं, वो गलियाँ थी, और उसी में से हम पतली सी नहर में से जा रहे थे, वो गांव के बीच में से, कि चलो गांव में जाके आते हैं, क्योंकि उसमें पहले भी एक बार गए थे। तो वो सब कुछ छोड़ छड़ा के सब इतने जोर से भागी, लेकिन वो नाव निकल जानी थी, और हुआ ये कि वहाँ
जो पुल था वो बहुत संकरा था और जिस बोट में हम बैठे थे वो बोट वहां फंस गई। तो जब तक वो आए नहीं, वो निकली नहीं, और जैसे वो आए हमने पूछा ठीक ठाक हो बेटा, बातें करते रहे उनसे, तो हमने कहा आप खुश हो, तब बोट निकल गई नीचे से। तो ये राम जाने क्या होता है, वहां काफी देर अटके रहे कि अब तो मुश्किल है काम, ना तो पीछे जा पाएंगे, मुड़ेगी नहीं, और आगे पुल में फंस गया है सारा कुछ। तो ये भगवान जाने उसकी क्या मर्जी होती है, सतगुरु मौला हमारा कोई ख्याल नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता। लोगों के लिए होता है घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे लिए सतगुरु मौला पहले से तय करके रखते हैं कि आपने कहा कैसे किसको कैसे मिलना तारना, वो सतगुरु जानता है, हमें कुछ पता नहीं होता। वो सब रहमो करम का दाता ही ये सब कुछ करवाता है, और जब हो जाता है तब समझ में आता है कि हाँ ये इसीलिए शायद यहां पे ऐसा हो रहा था। तो प्यारी सत्संगत जी, ये उस मालिक की बड़ाई, सतगुरु मौला की बड़ाई है, उपमा है, जितनी करें उतनी कम है उस मेरे मुर्शिदे कामिल की, सतगुरु दाता रहबर की। बारंबार बस एक ही बात आती है, अरबों बार नमन कर सकते हैं, सजदा कर सकते हैं, और कोई अल्फाज नहीं जिससे अपने मुर्शिदे कामिल का शुक्राना करें, धन्यवाद करें, क्योंकि उस जैसा कोई हो नहीं सकता, उस जैसा ना कोई था। वो था, वो है और वो रहेगा, ये संभव है, लेकिन और कोई संभव नहीं है कि ऐसा कुछ हो सके। वो कर्ण करावण हार करता था, करता है और करता ही रहेगा, करवाता रहेगा, हमसे करवा रहा है, करवाता रहेगा, ये हमने देखा है। तो ये सब उसकी रहमत है। ऐसे ऐसे अनजान लोग, ऐसे ऐसे बहुत जिन्हें लोग दुनिया में बड़े लोग कहते हैं, वो कब कहां कैसे मिलना है। एक सज्जन थे, क्योंकि अब इस बार गाड़ियां चलो नहीं लेके गए, हमने कहा गाड़ियां नहीं लेके जाते, इतनी दूर जाना पड़ता है और मुश्किल आती है, तो वहां पहले यहां जैसी गाड़ियां वैसी गाड़ियां उनकी थी, तो उन्होंने गाड़ियां दी कि ले जाइए जी आप। और ये फर्स्ट टाइम था, उनका ड्राइवर कह रहा था कि मैं पहली बार देख रहा हूं, कि उन्होंने बोला कि अच्छा स्वामी जी हैं तो उनको कह दो वो गाड़ी आप ही चला लें, आप मत जाना, ड्राइवर को बोला शाम को गाड़ी ले आना। उन्होंने अपने पिता को बताया कि ऐसे ऐसे वो गुरुजी आए हैं, वो कहता आपने ये क्यों कहा शाम को ले आना, वहीं छोड़ दो, कुछ नहीं लेना। तो वो बहुत बड़ी गाड़ी थी, उन्होंने वहीं छोड़ दी और कहते जितने दिन मर्जी रखो आप यहां, क्योंकि वैसे तो उनका किराया था, क्योंकि बिजनेस होता है उनका अपना, लेकिन किराए वाला भी कोई आपने सुना है कि गाड़ी सौंप के चला जाए, और वो भी बहुत बड़ी गाड़ी। तो ये मालिक जाने, और फिर वो सारा परिवार नाम लेने भी आया कि हमें तो हमारे पिताजी ने कहा था कि भाई उनको जो भी चाहिए, गाड़ियां बदल बदल के देने आए, ये नहीं ये दूसरी ले लो, नए वाली बड़ी है, ये छोटी है, पता नहीं क्या क्या होता रहा। सतगुरु जानता है, वो मुर्शिद जानता है, नहीं तो यहां से गाड़ियां हमेशा जाया करती हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि गाड़ी कोई भी नहीं लेके गए और वहीं से गाड़ियां करवाई, बस शायद चार या पांच गाड़ियां यहां से जिप्सी जो थी वो बाद में आए। तो ये बेपरवाह जी की रहमत, रहमो करम, अगर उनको उनसे कैसे जुड़ते और वो कैसे जुड़ते, उनके होटल हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो यही काम करते हैं, तो ये बेपरवाह जी की रहमत है। पता नहीं कौन कैसे कहां तड़प रहा होता है, हमें इसमें कोई जादूगरी नहीं है, हमें कुछ आता जाता नहीं है, सब कुछ वही कर्ण करावण हार है, करवा रहा है और 100% हमसे ऐसे ही करवाता रहेगा, ये उसका रहमो करम है। तो प्यारे सत्संग जी, इंसान के अंदर भावना होनी चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए, भगवान मिलने में देरी नहीं लगती। जिनके विचार शुद्ध होते हैं, भावना शुद्ध होती है, यकीनन उन्हें अंदर बाहर मालिक माला माल जरूर कर दिया करते हैं।